आज हम फुल अम्ब्रेला स्कर्ट बनाने वाले हैं। तो ये हमारा रेडी स्कर्ट है। तो टोटल लेंथ हमारी 15 इंच है। बेल्ट हमें 1.5 का चाहिए। तो टोटल लेंथ में से हमें माइनस करना है वेस्ट का बेल्ट। तो हमें रेडी लेंथ मिल रही है 13.5। ओके, तो इसमें हमारा ऊपर 1/2 इंच स्टिच में जाएगा और नीचे 1/2 इंच स्टिच में जाएगा। तो अभी लेंथ जो मुझे कटिंग करनी है वो मुझे कटिंग करनी है 14.5। और इसी हिसाब से देखो वेस्ट हमारी है 18 इंच, मुझे रेडी रखनी है। अभी ये जो स्कर्ट हम बनाएंगे वो लास्टिक वाला स्कर्ट बनाने वाले हैं। तो मैंने उसमें 15 इंच प्लस किया है। तो रेडी हमें मिलेगा 33। तो वेस्ट हमारी है 33। ओके, स्कर्ट की रेडी लेंथ 15 इंच है। हम फुल अम्ब्रेला स्कर्ट बनाने वाले हैं। तो ये हमारी फुल वेस्ट है। तो इसका मैं हाफ करूंगी क्योंकि हमारा ऐसा 2 बार अम्ब्रेला कट होगा। तो 33 डिवाइड बाय हमें 2 करना है। तो एक अम्ब्रेला की वेस्ट हमें मिलेगी 16.5। अभी हम पहले इतना ही अम्ब्रेला कट करेंगे हाफ। ए जैसा हमने कटिंग किया है उसके ऊपर रख के हम ए कट करेंगे। तो अभी जब हम कटिंग करेंगे तो हमें यही रखना है कि हमारी वेस्ट कितनी है, 16.5। ओके, और लेंथ जो हमें कटिंग करनी है वो मैं कटिंग करनी है 14.5। बेल्ट भी लगाने वाले हैं। तो कवर बेल्ट मुझे रेडी चाहिए 2.5 का। तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा रखूँगी, उसमें हमें 1 इंच ऐड करना है सिलाई के लिए। तो वो होगा 3.5। फिर मेरी लेंथ है 14.5, तो उसका मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। फिर जो हमारी वेस्ट है 16.5 डिवाइड बाय हमें करना है 3, तो हमें मिलेगा 5.5। वो जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसमें हमें 1/2 इंच माइनस करना है, तो हमें मिलेगा 5 इंच। तो हमें यहाँ से ही फैब्रिक फोल्ड करना है। इतना मेजरमेंट हम करेंगे तो अभी हमारा क्या होगा कि फैब्रिक ऐसे वेस्ट नहीं होगा, हम यहाँ से ही फोल्ड करेंगे। हमें इस तरह से इस साइड लेना है। ओके, तो इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है। पहला मार्किंग हमारा था यहाँ पे 5 इंच पे। हम इस तरह से 5 इंच पे यहाँ पे सेंटर में मार्क करेंगे और 5 इंच पे अभी यहाँ एंड पे मार्क लगाएंगे। अभी ये जो मार्किंग है उसको हमें राउंड ड्रॉ करना है। अभी हमें ये देखना है कि हमने जो ये राउंड ड्रॉ किया है वो कितने इंच आ रहा है, 4.25। तो हमें 4.25 × 4 करना है क्योंकि हमारी ये जो फेब्रिक की घड़ी है 4 बार फोल्ड है। तो हमें मिलेगा 17 इंच, पर हमें रेडी चाहिए 16.5। तो यहाँ पे वैसे भी एक किनारी है फ्यूजिंग की, तो 1/2 इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा। ओके, अभी हमारी जो लेंथ है वो 14.5 है। तो यहाँ से मैं मार्किंग करूँगी 14.5 पे। अभी मैं यहाँ से चौक को इस तरह से रखना है, ये वाला जो मार्किंग है उसको हमें यहाँ पे रखना है और एक जो मेजर टेप है उसको हम यहाँ पॉइंट पे रखेंगे और हमें इस तरह से राउंड ड्रॉ करना है। अभी हम जो यहाँ से कवर बेल्ट करने वाले हैं उसका मार्किंग मुझे यहाँ नीचे से ही करना है 3.5 पे। यहाँ पे हम पिन लगाएंगे। अभी हमें कट करना है। इतना कट होने के बाद हम इसमें दूसरा पल्ला भी सेट करेंगे। इस तरह से देखेंगे कि हमारा यहाँ पे भी अम्ब्रेला पार्ट है वो आ जाएगा। ओके, अब ये पार्ट को हमें यहाँ पे रखना है। अभी ये जो हमने पिन लगाई है, पिन हमें दोनों अम्ब्रेला में साथ में लगानी है। और यहाँ नीचे से हम कट करेंगे और यहाँ पे जो हमने ऊपर की वेस्ट रो की है उसको भी हम कट करेंगे और यहाँ नीचे जो हमने बेल्ट का मार्किंग किया है वहाँ पे भी हम कट लगाएंगे। ये जो हमने बेल्ट का कटिंग किया है उसको हम यहाँ से इस तरह से ही कवर करने वाले हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा बचेगा। अभी इसको हमें इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करना है, यहाँ से ऐसे खींचना है। ओके, फिर इस तरह से रख के यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट करना है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें खींच के यहाँ से कट करना है। अभी ये जो मैंने कटिंग किया है वो क्या है कि अम्ब्रेला में हमें ये प्रॉब्लम रहती ही है कि हमारा अम्ब्रेला है वो साइड से ऊपर आ गया है, साइड
साइड से ऊपर आ गया है और सेंटर में से नीचे आ गया है। ओके, तो साइड से ऊपर नहीं आया है, वो हमारी लेंथ सही है, पर यहाँ पे हमारा बायस फैब्रिक रहता है तो ए फैब्रिक हमारा लंबा होता है, तो इसको हमने पहले से ही कट कर दिया है। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो स्ट्रेट पार्ट है तो 5 इंच में हमें कुछ नहीं कट करना है, फिर हम आगे ऐसे थोड़ा सा शेप लेंगे। ओके, तो ये नीचे का जो अम्ब्रेला का कटिंग है वो हमारा रेडी है। अभी हम इसका कमर का बेल्ट का कट करेंगे। यहाँ पे हम पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। बेल्ट हमें रेडी चाहिए 1.5, तो उसका हम डबल करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंच, और दोनों साइड हमारा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा, तो हमें कटिंग करना है 4 इंच का। तो यहाँ से मैं 4 इंच पे एक मार्क लगाऊंगी। अब ये सब मार्किंग को हमें ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। बेल्ट का देखो यहाँ पे 1/2 इंच हमारा स्टिच में जाएगा। ओके, टोटल वेस्ट हमारी है 33, उसका हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 16.5। तो यहाँ पे मुझे 16.5 रेडी चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक मार्क लगाऊंगी। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इसके बाद हम 1 इंच पे एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। ओके, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। ये जो मैंने अस्तर लिया है वो 27 इंच है। ओके, यहाँ से फोल्ड है, 1 मीटर में भी कम है, इसको मैं ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। देखो अभी हमारी लहंगे की जो लेंथ है वो 15 इंच रेडी है, तो अस्तर जो है वो हम 2-3 इंच कम रखेंगे। तो यहाँ पे मैं अस्तर रखूँगी 13 इंच का। तो यहाँ पे किनारी वाला पार्ट है तो वहाँ पे ही हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। भी हमें लेंथ चाहिए 13 इंच रेडी, तो यहाँ पे मैं 13 इंच पे मार्क लगाऊंगी। फिर जो बाकी का अस्तर है उसको हम कट करेंगे। देखो ये घड़ी को हम इसमें यूज कर लेंगे ताकि हमारा अस्तर का घेर भी ज्यादा हो जाए। भी इसके बाहर का जो एक्स्ट्रा अस्तर है उसको हम कट करेंगे। कि देखो हमारी लेंथ है वो ऐसे है 13 इंच। मैं यहाँ से भी वेस्ट निकालनी है और यहाँ से भी वेस्ट निकालनी है। टोटल वेस्ट हमारी है 33 इंच, और वेस्ट में हमें 3 इंच प्लस करना है एक्स्ट्रा, तो हमें रेडी मिलेगा 36 इंच। 36 इंच हमें अस्तर में से वेस्ट निकालनी है, तो हम यहाँ पे गिनेंगे कि हमारी घड़ी कितनी बार फोल्ड है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, 6 कली यहाँ पे है और 6 कली हमारी यहाँ से ऐसे क्रॉस में निकलेगी। तो वेस्ट डिवाइड बाय हमें करना है 12 इंच, तो वेस्ट हमारी है 36 इंच, तो 36 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमें रेडी मिलेगा 3 इंच। तो यहाँ पे मुझे 3.5 पे मार्क करना है क्योंकि 1/2 इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा। यहाँ पे देखो ऑन फोल्ड है तो मुझे सिलाई के लिए 1 इंच प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे 4 इंच पे मार्क करना पड़ेगा। ओके, अब ये दोनों मार्किंग को हमें क्रॉस मिलाना है। यहाँ पे भी वेस्ट निकलेंगी और यहाँ से भी वेस्ट निकलेंगी। तो लेंथ हमारी 13 इंच है, तो यहाँ क्रॉस में भी हमें 13 इंच पे मार्क लगाना है। अभी हम पहले यहाँ पे क्रॉस लाइन कट करेंगे और यहाँ पे जो राउंड मिला है उसको भी हम कट करेंगे। तो सभी पार्ट को हम ऐसे ओपन करके कली ज्वाइन करेंगे। हमारा अस्तर 1 मीटर भी नहीं था और हमारा जो घेर है वो 2.5 मीटर हुआ है। अभी हमें सब कली को ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के लिए हमें 1/2 इंच गैपिंग रखना है और कली ज्वाइंट हमें वेस्ट के साइड से ही करनी है। ओके, इस तरह से हमें कंटिन्यू कली ज्वाइंट करेंगे, 1/2 इंच का गैप रख। ओके, तो इस तरह से हमने सब कली को ज्वाइंट कर दिया है। अभी हमें यहाँ पे नीचे पट्टी फोल्ड करनी है, तो पट्टी फोल्ड करने के लिए हमें एक बार 0.25 और दूसरी बार भी 0.25 फोल्ड करना है और यहाँ किनारी पे स्टिच लगानी है। कली को हमने प्रेस लगा दिया है और यहाँ नीचे हमने इंटरलॉक लगा दिया है। ओके, तो अस्तर हमारा रेडी है। अभी हम पहले नीचे का जो बेल्ट है
उसको फोल्ड करेंगे। ए बेल्ट को हमें राइट साइड के ऊपर राइट साइड रखना है और यहाँ पे हमें 1/2 इंच के गैपिंग पे स्टिच लगानी है और यहाँ ऊपर की साइड हमें 1/2 इंच फोल्ड करना है और स्टिच हमें 0.25 पे लगानी है। और स्टिच लगाते वक्त यहाँ पे जो पीछे का फैब्रिक है उसको हमें प्रेशर फुट की साइड रखना है ताकि ये फैब्रिक ज़्यादा लंबा ना हो। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 0.25 पे स्टिच लगा दी है और हमने जो अम्ब्रेला कट किया है उसको भी हम जॉइंट लगाएंगे। ओके, एक ही साइड अभी हमें पहले जॉइंट लगाना है। हम यहाँ पे पहले प्रेस लगाएंगे। प्रेस हमें इस तरह से दोनों साइड फैब्रिक को रख के करना है। ओके, अभी बेल्ट को हमें इस तरह से रखना है, जो हमने पट्टी फोल्ड की है ऊपर की तरफ आनी चाहिए और यहाँ दोनों फैब्रिक इस तरह से हमें मिलाना है और हमें यहाँ पे 1/2 इंच के गैपिंग पे स्टिच लगानी है। ओके, तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दी है। अभी हम यहाँ पे बेल्ट की साइड धार स्टिच लगाएंगे। तो नीचे का जो भी फैब्रिक है उसको हमें बेल्ट की साइड रखना है और वहाँ पे हमें धार स्टिच लगानी है। इस तरह से हमने यहाँ पे स्टिच लगा दी है, यहाँ पे हमने प्रेस लगा दी है। हमें यहाँ पे सिर्फ एकदम किनारी के ऊपर हमें स्टिच लगानी है। ओके, देखो इस साइड मैंने यहाँ पे इतने में स्टिच नहीं लगाई है क्योंकि हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करेंगे। ये जो स्कर्ट है हम लास्टिक वाला बनाने वाले हैं तो इसमें हम चेन नहीं लगाएंगे। ओके, तो अभी मैं पहले दूसरी साइड का फिटिंग कर रही हूँ। देखो हमने ए पार्ट को ऐसे ही रखा था अलग, अभी हम इसको यहाँ से ऐसे कवर करेंगे और ए जो बेल्ट है उसको हमें इसके साइड मिलाना है और अभी हम यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। फिर हम इसको इस तरह से कवर करेंगे और यहाँ पे जो फैब्रिक है उसको हमें कट करना है और हमें जितने में स्टिच लगानी बाकी है वहाँ पे हम स्टिच लगाएंगे। अभी हमें यहाँ पे इसको दोनों साइड रख के प्रेस लगानी है। ये देखो इस तरह से हमारा दोनों साइड पूरा कवर ही है। अभी हम पहले बेल्ट बनाएंगे। हमने यहाँ पे जो मार्क लगाया है वहाँ पे हम पहले स्टिच लगाएंगे। हमें यहाँ पे 1/2 इंच तक ही स्टिच लगानी है और बीच में 1 इंच जितना गैप रखना है। जो मैंने मार्किंग किया है उतने में हमें स्टिच नहीं लगानी है, फिर यहाँ से हम स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। फिर ए स्टिच लगाने के बाद हमें फैब्रिक को दोनों साइड से ओपन करना है और ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच लगानी है। ओके, तो इस तरह से देखो हमने स्टिच लगा दी है। यहाँ पे लास्टिक के लिए हमने ओपन कर दिया है। अभी बेल्ट को हमें इस तरह से अनफोल्ड करना है और यहाँ पे हमें 0.25 पे स्टिच लगानी है। ओके, तो इस तरह से हमने बेल्ट को भी प्रेस लगा दिया है। ओके, तो ये हमारा बेल्ट भी रेडी है पूरा। बेल्ट को लगाने के लिए देखो ये हमारी राइट साइड है, यहाँ पे जो पैक साइड है उसको हमें ऐसे रखना है। ओके, जो ओपन साइड है वो हमारी साइड रखनी है और लहंगे को देखो हमें इस तरह से उल्टा रखना है और बेल्ट को हमें ऐसे अंदर की साइड जाने देंगे। ओके, ताकि हमें स्टिच लगाने में आसानी रहे। तो जो एक साइड का जॉइंट है वहाँ पे ही हमारा जॉइंट मिलना चाहिए और हम यहाँ पे 1/2 इंच पे स्टिच लगाएंगे।
तो इस तरह से हमने बेल्ट को ज्वाइन कर दिया है। और अभी हमें अस्तर को भी ज्वाइन करना है। देखो अस्तर को भी हमने पूरा राउंड ही ज्वाइन कर दिया है। इसको मैंने ऐसे राइट रखा है और ये पूरे अस्तर को मैं इसके अंदर रखूँगी। ओके मतलब ये हमारा राइट पार्ट है और ये भी हमारा राइट है। राइट के ऊपर ऐसे राइट रहेगा। ओके अस्तर में हम एक दो तीन हमारी प्लीट्स आएगी क्योंकि अस्तर को हमने वेस्ट से 3 इंच प्लस किया था। तो इस तरह से मुझे अस्तर को रखना है और एक दो तीन हम वहाँ उसमें प्लीट्स लगाते जाएंगे और हमें कवर करना है। ओके इस तरह से मैंने पूरे लहंगे में स्टिच लगा दी है। अभी मुझे यहाँ अस्तर की साइड धार स्टिच लगानी है 0.25 पे। देखो इस तरह से हमारा पूरा स्कर्ट है वो रेडी है। आपको यहाँ पे भी कोई स्टिच नहीं दिखेगी। ओके हमारा पूरा फिनिशिंग के साथ वो लहंगा रेडी हुआ है। यहाँ पे भी पूरा कवर है। ओके अभी हमें सिर्फ लास्टिक लगाना ही बाकी है। तो हमें 18 इंच रेडी चाहिए। ओके वो हमने टाइट मेजरमेंट लिया है तो मैं अभी 19 इंच का लास्टिक कट करूँगी 1 इंच प्लस। ओके क्योंकि हाफ हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा।